एस ट्वेल्थ क्लास हाँ जी बच्चों आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा 2016 के मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस 2016 में बेटा पेपर में वन फोर और सिक्स मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे सिर्फ टू क्वेश्चन वन मार्क्स के थे वन फोर मार्क का एंड वन सिक्स मार्क्स का टोटल ट्वेल्व मार्क्स का क्वेश्चन दबाया था चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस वॉज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वन मार्कर

प्लस थ्री ए स्केयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्र प्लस बी क्यूब राइट और ए माइनस बी होल क्यूब इज नथिंग बट ए क्यूब माइनस थ्री ए स्केयर बी प्लस थ्री ए बी स्केयर माइनस बी क्यूब राइट ये वन मार्कर क्वेश्चन था बेटा बिल्कुल एक्सपेक्टेड था अगर आपको देखो एडिशन है बीच में अगर आपको इनको ऐड करके क्लियर कट याद है टू ए क्यूब ये कैंसिल प्लस सिक्स ए बी स्क्र ये कैंसल तो आप सीधा ये भी यूज कर सकते थे बट जनरली ये फॉर्मूलाज याद होते नहीं तो लेट मी जस्ट क्विकली राइट इट हेयर जैसा कि स्टूडेंट्स लिखेंगे जनरली ओके सिंपली हमने क्विकली फॉर्मूला लगाना है ये a माइनस आई है A cube minus 3a square i plus 3a i square minus i cube. Okay, now a plus i cube that will be a cube plus 3a square i plus 3a i square plus i cube and last is minus 7a. आपको ध्यान रहना चाहिए बेटा आइडेंटिटी की आप कोई भी पावर कैलकुलेट करें यू विल गेट एन आइडेंटिटी और आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें चाहे प्री चाहे पोस्ट यू विल गेट दैट मैट्रिक्स ओके तो इनको हम रिजल्ट्स को अगर यूज करें पहला तो हम यहीं पर अब कैंसिल कर सकते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव है उनको सिंप्लीफाई भी करने की जरूरत नहीं है काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है जो लाइक टर्म्स हैं ये हो गई देखो एक यू और right? और ये next हो गया गया तो रह सिर्फ कैलकुलेशन टू ए क्यूब रखा है जिसको आप टू ए इंटू ए स्क्र लिख सकते हैं ये आपका हो गया ए मैट्रिक्स सेवन ए है ही साथ में और ए स्क्र देखिए, a के दिया हुआ बेटा आइडेंटिटी तो ये हो गया टू ए इंटू आईडेंटिटी सिक्स ए माइनस सेवन ए दिस विल बी माइनस ए आप जितनी क्विकली इसको कैलकुलेट कर सकें, उतना बढ़िया राइट टू ए इंटू आई इज टू ए इंटू आई इज एट टू ए माइनस ए इज नथिंग बट ए तो इसका आंसर ए था बट आपको बार बार कहती हूं ये इसमें भी बेटा बीच में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते रहे थे और नेचुरली साइन चेंज करके कुछ पावर चेंज करके डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो हमेशा केयरफुली पढ़िए कभी भी रट्टे की तरह मत चलिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ वन मार्क के हिसाब से ये थोड़ा सा लेंदी था चलिए मैट्रिक्स ए इज गिवन टू बी सिमिट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सिमेट्रिक कब कहते हैं बेटा किसी भी मैट्रिक्स को जब उसका ट्रांसपोज उसके ही इक्वल हो ठीक है लेकिन आपको मैंने एक चीज और ध्यान करवा रखी है कि जो भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो उसमें आपने ध्यान रखना है पॉरसपॉन्डिंग पोजिशन में सेम एलिमेंट होंगे ये सेम इधर अगर क्यू है तो इधर भी Q, अगर इधर R है तो इधर भी R, ओके तो ये Q है तो तो बस उसी का यूज करना है बेटा डायगनल एलिमेंट्स के लिए हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन ऑफ डायगनल के लिए ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा टू बी इजक्वल टू थ्री ठीक है माइनस टू इक्वल टू थ्री ए होगा ओके और थ्री इक्वल टू थ्री ये इससे कुछ नहीं रिलेशन बनता ए बी हमें निकालना है वो सीधा आ जाता है बी विल बी थ्री बाय टू एंड ए विल बी माइनस टू थ्री ओके

Find their monthly incomes using matrix method. This problem reflects which value? value values question but No doubt show okay, for future. पर हम उस पर नहीं जाते main question पर आए तो आर्यन और बब्बन की जो मंथली इनकम दे रखी है वो थ्री इज टू फोर रेशियो में दे रखी है ठीक है और एक्सपेंडिचर दे रखा है फाइव इज टू सेवन ratio में अगर रेशियोज को आप एक्स और वाई मान लेते हैं आई मीन टू से इनकी इनकम हम एक्स रेशो एक्स कंसीडर करके कर लेते हैं एक तो होता है हमें टोटल पता है तो थ्री बाय सेवन थो हो जाएगी बट यहाँ टोटल नहीं पता सिर्फ रेशियो पंथा पता है तो यहां पर हम क्या कहते हैं बेटा आर्यन की इनकम दे रखी है रेशियो में फर्स्ट थ्री तो हम इसको ले लेते हैं थ्री एक्स यहाँ ये वाली रेशो हम एक्स ले लेते हैं और मंथली इनकम ऑफ बबन दिस विल बी फोर एक्स ओके आई होप इट इज क्लियर रेशो हमने एक्स मान ली तो फर्स्ट आर्यन की है थ्री एक्स सेकेंड बब्बन की है फोर एक्स इसी ढंग से हम एक्सपेंडिचर मान लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन एक्सपेंडिचर की रेशो देखो दे रखी है दोनों की इसी ऑर्डर में फाइव इंस टू सेवन दैट मीन फर्स्ट आर्यन की है तो वो आप मान लेते हैं फाइव वाई एक्स नहीं एक्स से नहीं चलेगा ठीक है फिर टोटल गड़बड़ हो जाएगी एक्सपेंडिचर फाइव इंस टू सेवन रेशो इंडिपेंडेंट देर की उसकी तो इसमें रेशो वाई कैलकुलेट कर लें तो फाइव वाई और एक्सपेंडिचर ऑफ बबर ठीक है अब हमें पता है बेटा सेविंग्स क्या होती है सेविंग्स विल बी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ओके सेविंग दे रखी है दोनों की फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज दैट मींस थ्री एक्स रूपीज आर्यन की इनकम माइनस फाइव वाई रूपीज इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज ओके और उधर से बब्बन की फोर एक्स रुपीज इनकम सेवन वाई एक्सपेंडिचर दैट इज ऑल्सो फिफ्टीन थाउजेंड दोनों की सेविंग सेम दे रखी है फिफ्टीन थाउजेंड बस ये बेटा दो इक्वेशन बन गई हमारी थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड और फोर एक्स माइनस सेवन वाई था इनको हमने सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स में राइट मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने को कहा है इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई है इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर देते हैं इसको सिस्टम है हमारा ओके इन मैट्रिक्स फॉर्म इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं बेटा सिस्टम को हम कैसे लिख देंगे ए एक्स इजक्ल टू बी जहाँ पर ए होगी बेटा कोफिशन मैट्रिक्स सिस्टम क्या था हमारा थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज टू फिफ्टीन थाउजेंड एंड फोर एक्स माइनस सेवन वाईक् टू फिफ्टीन थाउजेंड हमारी ए मैट्रिक्स कोफिशन मैट्रिक्स हो गई थ्री फोर माइनस फाइव माइनस सेवन एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई एक्स एंड वाई बी मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स हो गई फिफ्टीन थाउजेंड एंड माइनस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी इक्वल टू माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो सिस्टम इज कंसिस्टेंट ओके सिस्टम कंसिस्टेंट है बेटा और हमें मालूम है कि टू बाई टू में हम इजली एट ज्वाइंट लिख सकते हैं सोल्यूशन okay, क्या मिलेगा सिस्टम का एक्स इजल टू ए इनवर्स बी ए इस बी विल बी नथिंग बट वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एट जॉइंट ए दिस इज इनवर्स इन टू बी डिटर्मिनेंट आ गया बेटा माइनस वन हमारा और एट हम इजिली लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स का डायगनल एलिमेंट इंटरचेंज ऑफ डायगनल ध्यान है बेटा ये जो हमारा सिस्टम है एडजोइंट लिखने का टू बाय टू का शॉर्टकट डायगनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हमने थ्री और माइनस सेवन को इंटरचेंज कर दिया और ऑफ डायग्नल के हमने साइन चेंज कर ओके okay? अब माइनस बाहर भी है हम इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं बाहर देखिए सीधा आंसर आने वाला है हम लिख देते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स भी माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर सबके साइन अपोजिट हो जाएंगे ठीक है एंड फिफ्टीन थाउजेंड अब यहां पर मल्टीप्लाई भी दोनों मैट्रिक्स को केयरफुली करेंगे देखिए दिस इंटू फिफ्टीन थाउजेंड माइनस फाइव इंटू फिफ्टीन थाउजेंड तो आप क्विकली मेंटली ये नहीं है कि आप सिर्फ सेवन माइनस फाइव कर रहे हैं यहाँ बाई चांस ये दोनों सेम है तो सेवन इंटू फिफ्टीन थाउजेंड माइनस फाइव इंटू फिफ्टीन थाउजेंड मेंटली ही कर सकते हैं फिफ्टीन थाउजेंड कॉमन सेवन माइनस फाइव इज टू टू इंटू फिफ्टीन थाउजेंड थर्टी थाउजेंड आ गया ओके okay? ऐसे यहां पर फोर माइनस थ्री वन इंटू फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड आ गया ओके नो डाउट हमें पता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हमने वही यूज किया है बट मेंटली कैलकुलेशन कम कर सकते हैं तो यहाँ क्या आ गया बेटा एक्स आ गया थर्टी थाउजेंड एंड वाई आ गया फिफ्टीन थाउजेंड अब दोनों की हमसे मंथली इनकम पूछी थी वो हमें पता थ्री एक्स एंड फोर एक्स है वो बता दीजिए मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन इज रिस्पेक्टिवली आर्यन की हो गई थ्री एक्स दैट मीन्स थ्री इंटू थर्टी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड और बब्बन की हो गई बेटा फोर एक्स दैट मीन्स फोर इंटू थर्टी थाउजेंड दैट मीन वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड ओके और वैल्यू हमने बताई दी ऑलरेडी सेविंग्स इज द वैल्यू आई होप इट इज क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन नहीं हमने किया बेटा प्रॉपर्टीज नहीं है इस साल अगेन मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन बेटा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस एंड सोल्व दिस्टम ये क्वेश्चन जब आया था बेटा ही बहुत काउंट किया था देंदी वन क्योंकि पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आते थे दो इनवर्स निकालना बहुत लेंदी बनता है और नो no डाउट अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है भी नहीं तो हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं ए इन्वर्स निकालेंगे और हमेशा आपको कहा है जब भी इनवर्स निकालने को कहा है जरूर चेक करिए कि जो ये मैट्रिक्स दी है क्या वही कोफिशियंट मैट्रिक्स बनती है या ट्रांसपोज है ओके okay? बिल्कुल वही है ओके okay? बट पहले हमें इनवर्स ही निकालना है चलिए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे बेटा डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना है हमने शॉर्टकट ही यूज करते हैं हमने एरे अरेंज कर दिया एट फोर थ्री टू वन 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 टू टू आप रिपीट कर दें फर्स्ट कॉलम एट टू वन सेकेंड कॉलम फोर वन टू मल्टीप्लाई करें एट इंटू टू सिक्सटीन एड फोर इंटू वन इंटू वन फोर अगेन एड थ्री इंटू टू इंटू टू दैट मीनस ट्वेल्व अब सब सब करना है 1 into 1 into 3, 3. Next, हमने करना है टू इंटू वन इंटू एट दैट मीन सिक्सटीन एंड नेक्स्ट हो गया बेटा

वो होगा वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एट जॉइंट ए एट भी हमें इसी ढंग से कैलकुलेट करना आता है बेटा सिंपली फर्स्ट रो हमने रिपीट की सेकेंड रो हमने रिपीट की अब इस पूरे एरे से फर्स्ट रो कट कर दी फर्स्ट कॉलम कट कर दिया इन दो रो से फर्स्ट कॉलम आने वाला है नेक्स्ट टू रोज सेकेंड कॉलम आने वाला है और लास्ट टू रोज से लास्ट कॉलम आने वाला राइट right? ये चार नंबर का डिटर्मिनेंट पहला एलिमेंट फर्स्ट होगा टू माइनस टू जीरो नेक्स्ट वन माइनस फोर माइनस थ्री नेक्स्ट फोर माइनस वन थ्री ओके तो फर्स्ट टू रोज से आ गया फर्स्ट कॉलम आप जो इनमें फर्स्ट रो थी उसको कट कर दीजिए ताकि गलती से भी यूज ना करें नेक्स्ट टू रो से नेक्स्ट कॉलम आने वाला है सिक्स माइनस एट सिक्स माइनस एट माइनस टू नेक्स्ट सिक्सटीन माइनस थ्री थर्टीन नेक्स्ट फोर माइनस सिक्सटीन दैट मीनस माइनस ट्वेल्व आप ये रो भी कट कर दीजिए गलती से भी यूज ना हो जाए सिर्फ यही पर्पस है बेटा कट करने का फोर माइनस वन थ्री सॉरी वन एंड सिक्स माइनस एट माइनस दिस इज द इनवर्स आप चाहें तो माइनस थ्री को अंदर एडजस्ट कर दीजिए नहीं चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं चाहे तो साइन भी सिर्फ एडजस्ट कर सकते ओके चलिए साइन एक बार एडजस्ट कर देते हैं वन बाय थ्री जीरो टू माइनस वन सबका अपोजिट हो जाएगा साइन माइनस थर्टीन टू माइनस थ्री ट्वेल्व जीरो ओके चलिए ये इन्वर्स आ गया अब सिस्टम गिवन सिस्टम मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम क्या होगा हमने पहले ही देख लिया बेटा बिल्कुल यही मैट्रिक्स कोफिशेंट मैट्रिक्स बन रही है तो सिस्टम होगा ए एक्सल टू बी जहां पर अब ए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है हमें ऑलरेडी गिवन जो है उसी को यूज किया अगर नहीं होता तो राधर हम तब उसे नया नाम देते एक्स हो गई बेटे वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड एंड बी हो गई बेटा कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स नाइनटीन फाइव एंड सेवन अब एक बार लिख लेते हैं बेटा पहले कि सिस्टम कंसिस्टेंट है सिस्टम कंसिस्टेंट के लिए भी क्या होता है डिटर्मिनेंट ए ही चाहिए होता है और डिटरमिनेंट है हम कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस थ्री विच इज नॉट इक्वल टू जीरो जब सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम सिस्टम कंसिस्टेंट शो करेंगे एंड इट्स सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा बेटा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी ओके ये भी निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है जनरली हमें आदत ही हो जाती है इसको लिखने की ए एक्स इज टू बी का सॉल्यूशन एक्स इज टू बी एक्स दिस एंड ए इनवर्स हमने अभी कैलकुलेट किया बेटा दिस है इनवर्स जीरो थ्री माइनस थ्री टू माइनस थर्टीन ट्वेल्व माइनस वन टू जीरो एंड बी वॉज नाइनटीन फाइव सेवन बस ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए और फिर से डिवाइड कर दीजिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे हम पहले जीरो इंटू नाइनटीन टेन माइनस सेवन थ्री नेक्स्ट हो गया फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन माइनस सिक्सटी फाइव प्लस फोर्टीन इनको फिफ्टी सेवन प्लस फोटीन माइनस सिक्सटी फाइव ये कैलकुलेट कर दीजिए क्विकली दिस इज़ राइट नेक्स्ट हो गया बेटा माइनस फिफ्टी सेवन एंड सिक्सटी तो ये अगेन थ्री हो गया डिवाइड कर दें हम साथ के साथ डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइडेड बाय थ्री बाहर से हम कट कर देते हैं सिंपल कैलकुलेशन ही है जितने हम स्टेप कम कर सकें एंड दिस लेफ्ट में मैट्रिक्स है इक्वालिटी कर दी मैट्रि एक्स इज वन वाई इज टू एंड सेड इज अगेन ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया ओके okay? तो यहाँ हमारा पेपर कंप्लीट डिस्कस हो जाता है बेटा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का पोर्शन That's all for the day.